तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दी गई ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। जी हाँ, ये आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में आए। इसमें लिखा है कि सम, ऑप्शन सी कहता है कि सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट इन रेयर सिचुएशन, के वो लोग जो अनसाउंड है यानी कि मेंटली रिटार्टेड है और क्रिमिनल है, उनको आप देखते हैं कि उनको वोट देने से रोका जा सकता है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर, के कंट्री में कोई भी वोट दे सकता है चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, या फिर किसी भी कम्युनिटी से हो। ऑप्शन ए कहता है कि भाई ऑल सिटीजंस अबव द एज ऑफ 21 कैन वोट। नहीं भाई, ये बात गलत है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंट्री में हर वो इंसान जो 18 प्लस होता है वो वोट दे सकता है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट नंबर ए जो है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही ढूंढना था।